सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कर्नाटका का जो वर्डिक्ट आया और जिस प्रकार से येदियुरप्पा और बीजेपी को न्योता मिला और आज ओथ कराया गया, इसको लेकर के आज हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि कल दोपहर 1 बजे हम लोगों ने गवर्नर साहब से समय मांगा था, जो कि वहां से कंफर्मेशन आ गया है, कल 1 बजे का समय हमें गवर्नर साहब से मिलेगा। गवर्नर साहब से हम लोगों की मांग होगी कि जिस तरीके से कर्नाटका में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को मौका मिला है, उसी प्रकार से बिहार की मौजूदा सरकार को भंग कर करके जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसको न्योता देने का काम करें। इस देश में संविधान है, नियम है, उस नियम के तहत एक नियम होना चाहिए। बिहार देश से अलग नहीं है, कर्नाटका अलग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के अलग नहीं है। बीजेपी चाहे 2 सीट आती है तो भी वही सरकार बनाती है नॉर्थ ईस्ट में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है तो भी वही सरकार बनाती है। जो पोस्ट पोल अलायंस, जिस प्रकार से बिहार में के संदर्भ में अगर कहा जाए तो बीजेपी को बिहार की जनता ने निग्लेक्ट कर दिया था, सत्ता से दूर रहने का फैसला किया था बिहार की जनता ने, लेकिन बीजेपी के लोग चोर दरवाजे से आए सरकार में और अभी सरकार में शामिल हैं और सरकार चल रही है। मेरा सवाल है बीजेपी और हमारे चाचा नीतीश कुमार जी से, केवल एक सवाल का जवाब दे दें कि जिस प्रकार से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते येदियुरप्पा और बीजेपी को न्योता मिला है, क्या वो मानते हैं कि बिहार में उन लोगों से गलती हुई है? इसलिए क्योंकि यहां जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी उसको न्योता नहीं दिया गया, क्या वो गलती स्वीकार करती है? हम जानना चाहते हैं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों से कि कौन सा निर्णय सही था, जो पोस्ट पोल अलायंस का जो निर्णय था वो सही था या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कर्नाटका में न्योता मिला वो सही है, इसका जवाब हम मांगना चाहते हैं। एक इसमें कि हमारी चुनाव से पहले ही गठबंधन था, महागठबंधन था, प्री पोल अलायंस हमारा कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का था। जनता दल यूनाइटेड के जाने के बाद भी हमारा अलायंस एज इट इज कांग्रेस के साथ रहा। इसका ये मतलब है कि हम सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं है, बल्कि हम प्री पोल सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक भी हैं। तो इस आधार पर राष्ट्रीय जनता दल और हमारा जो दावा है और भी मजबूत होता है। अगर सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक, जो कि बिहार के संदर्भ में जिन पार्टियों को न्योता दिया गया, जो मौजूदा सरकार है, अगर ये सही है तो मेरा सवाल है कि कर्नाटका में ऐसा क्यों नहीं? 104 सीटें बीजेपी के पास है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन जो मैजिक फिगर, जो 112 का जो मैजिक फिगर है, वो जेडीएस और कांग्रेस का पोस्ट पोल अलायंस के बाद बनता है और जो निर्दलीय विधायक है वो लोग मजबूती के साथ आज भी धरने में अगर देखे होंगे तो वो लोग कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के साथ दिखे थे। तो मेरा सवाल है कि 104 से 105 या 112 कैसे पहुंचेगी बीजेपी? कौन सा फॉर्मूला है? यानी अमित शाह का एक ही फॉर्मूला है, बीजेपी के लोगों का एक ही फॉर्मूला कि हॉर्स ट्रेडिंग कराया जाए, यानी खरीद फरोख की जाएगी, बोली लगाई जाएगी। और दूसरा कि जो एजेंसियां हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनको तमाम विपक्षी दलों के पीछे लगाया जाएगा, डराया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, उस प्रकार से ये काम ये लोग करना चाहते हैं। येदियुरप्पा जी ने 7 दिन का समय मांगा तो 15 दिन मिलता है, लेकिन यहां देखिएगा कि पोस्ट पोल अलायंस को मौका ही नहीं मिला, बल्कि 2 दिनों के अंदर ही बहुमत साबित करने का निर्देश भी था, तो वहां 15 दिन क्यों? जबकि इनके पास नंबर भी था, अगर पोस्ट पोल अलायंस, अगर बीजेपी या जनता दल, लेकिन वहां तो नंबर भी नहीं है, फिर भी मौका मिला।
तो कहीं ना कहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि इस देश में एक ही नियम से चलेगा या अलग अलग नियम से चलेगा। ये बीजेपी का साफ तौर पे तानाशाही है, गुंडागर्दी है, लोकतंत्र का हत्या है, और इसलिए हम बार बार बोलते आए हैं कि ये काला दिन माना जाएगा अपने इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर के। अगर हम विपक्ष के लोग और आप मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से और पार्टियों से अपील करना चाहेंगे कि सब लोग एकजुट हो जाएं, एकजुट होए, अपने देश हित के लिए एकजुट होए, लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होए और संविधान बचाने के लिए एकजुट होए। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो कल बिहार था, आज कर्नाटका है, कल हो सकता है मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां चुनाव आने वाले हैं। तो इसी तरीके से तानाशाह रवैया चलता रहेगा और अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम तो सबसे अपील भी करना चाहते हैं कि कर्नाटका में सब लोग पहुंचे, बैंगलोर सब लोग पहुंचे और इस निर्णय का विरोध करने का काम करें और मजबूती के साथ एकजुट होने का काम करें। और मुझे ये कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जनता अंधी नहीं है, जनता और हम लोग देख सकते हैं कि 116 सीटें जो है कांग्रेस और जेडीएस के पास है और 104 सीटें उनके पास है। आखिर ऐसा कौन सा गुण है बीजेपी के पास या उनके नेताओं के पास कि 104 से 112 कर देंगे? ये गुण कौन सा गुण है, ये गुण भी तो बताएं, जिक्र करें ना कौन सा गुण है, आखिर इस गुण को क्यों छुपाया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कोई विपक्ष का नेता, जो भी एनडीए का जो अलायंस है, धीरे धीरे सब लोग छटक रहे हैं। क्यों नहीं आपके जेडीएस ने समर्थन किया बीजेपी को? क्योंकि इनका जो तानाशाह रवैया, संविधान बदलना ये जो चाहते हैं, शिवसेना अलग हो गई, आपके तेलुगु देशम पार्टी अलग हो गई, टीडीपी अलग हो गई, और भविष्य में जितनी रीजनल पार्टी है और जो एनडीए गवर्नमेंट में भी, जो एनडीए में जो शामिल है रीजनल पार्टी, उनको भी मैं कहूंगा, सलाह दूंगा कि एक बार विचार कर लें कि किस प्रकार के लोगों का समर्थन करना है और किस प्रकार के पार्टी को उनको समर्थन करना है, जो डेमोक्रेसी को खतरे में डालते हैं, जो संविधान को खतरे में डालने का काम किया है। इसलिए हम चाहते थे कि आप लोगों को हम जो गतिविधि है और जो हम कल जो गवर्नर साहब से मिलेंगे, हमारा क्या दावा होगा, उसको लेकर के हम आप लोगों के सामने रखने का काम किया। और ये बात तो